अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम शहजाद। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्टेड होगी और क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के ऊपर ये वाला रेड पेज आ रहा है तो इसको हम कैसे रिक्वेस्ट करके रिमूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप google.com और वेब मास्टर लिखेंगे, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सर्च कंसोल में जाएंगे, देन आपने ऐड अ प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने डोमेन का नाम लिखना है जो कि ऑलरेडी हमारे पास सी पैनल में आ रहा है। कंटिन्यू। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए वो आपसे कह रहा है कि आप अपना डोमेन रजिस्ट्री सिलेक्ट करें और ये वाले रिकॉर्ड वो यहाँ पे जाके अपडेट कर दें। अब आप ये वाली जो कीज़ आ रही हैं इसको आप कॉपी कर लें, अपना सी पैनल में आ जाएं और यहाँ पे जोन एडिटर फाइंड करें, मैनेज पे क्लिक करें, ऐड रिकॉर्ड के साथ एक ड्रॉप डाउन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऐड TXT रिकॉर्ड कर दें। जो वैल्यू आपने कॉपी की थी वो रिकॉर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दें और यहाँ पे नेम में आप ब्लैंक या फिर आप डोमेन का नाम एंटर कर दें और इसको ऐड रिकॉर्ड कर दें। रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया है, लेकिन 5 से 10 मिनट वेट करें। वेट करने के बाद आप वापस वेब मास्टर में जाएं और उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर दें। जैसे ही वेरिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट होगा तो आप इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे पास आपके पास सिक्योरिटी इशू में ये एक इशू डिस्प्ले कर रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये वाले पेज इन्फेक्टेड हैं, आप इनको रिमूव करें, देन आपकी जो वेबसाइट है उसको हम रेड पेज से हटा देंगे। बेहतर सोल्यूशन तो ये है कि आप इसके फाइल मैनेजर में जाएं, पब्लिक HTML, और जितना भी डाटा यहाँ पर पड़ा है एक नया फोल्डर बनाएँ। इस डाटा को उठा के आप उस फोल्डर में मूव कर दें। मूव करने के बाद आप यहां से रिक्वेस्ट रिव्यू कर दें और यहां पे आप चेक लगा के इनको बता दें जितनी भी इन्फेक्टेड फाइल हैं आपने उसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें। 5 से 10 दिन वेट करने के बाद जैसे ही आपकी वेबसाइट से रेड पेज रिमूव होगा तो आप अपनी फाइल्स को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये जो लिंक्स हैं ये आपके क्लीन होने चाहिए। अगर ये लिंक्स आपके अगेन लाइव हुए तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगेन रेड पेज आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।